रोहतास पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। मामला शराब से जुड़ा है। कई दिनों से कलकत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जयश्री गांव में लगातार शराब के मामले में वहां पहुंचे बड़े देवराज के क्षेत्रों में शराब की पीने की पुष्टि हो रही थी। कई दिनों से कार्रवाई की संस्था चल रही थी, परंतु आज यह चीज की पुष्टि हो गई। रोहतास पुलिस अधीक्षक ने कलकत्ता थाना अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और वहां के चौकीदार है रकीब खान उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और संबंधित दोनों के विरुद्ध अनुशंसित कार्रवाई की जा रही है। विधिक के पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि वहां पर शराबबंदी पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो रही है और शराबबंदी के नाम पर गरीब गुरुओं पर वहां के पुलिस प्रशासन स्वयं लोगों को उठा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सतर्कता भी पाई गई और वहां पर सिर्फ खाने पूर्ति की जा रही थी शराबबंदी के मामले में और सच्चाई यह था कि उस क्षेत्र में शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर बंद हो रहा था। लगातार कार्रवाई के बाद भी और विधि व्यवस्था बनाने के बाद भी रोहतास पुलिस अधीक्षक ने आज कलकत्ता थाना अध्यक्ष को निलंबित किया और वहां के चौकीदार को निलंबित किया है। जानकारी के लिए बता दो कि कई मौतें हुई है, कुछ मौतें की पुष्टि हुई थी कलकत्ता थाना क्षेत्र से और कोई लोगों ने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि मृत्यु कैसे हुई है और कई लोगों ने सभी ने आरोप लगाया था कि जहरीले शराब पीने से कलकत्ता थाना क्षेत्र में जैसी गांव में मृत्यु हुई है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कलकत्ता थाना अध्यक्ष को रोहतास पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है और वहां के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशंसित कार्रवाई की जा रही है। ऐसे थाना अध्यक्षों के बारे में क्या सोचते हैं जो धरातल पर जमीनी स्तर पर शराबबंदी को लेकर लगातार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसे थाना अध्यक्षों के बारे में जरूर बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे तमाम पदों के लिए हमारे